ভারতের আকাশ সীমায় থাকা অবস্থায় বিমানে বাংলাদেশি এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে ঢাকা থেকে রিয়াদগামী সৌদি এয়ারলাইন্সের বিমানটি মুম্বাইয়ের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের কাছে জরুরি অবতরণের জন্য অনুমতি চায়। তাৎক্ষণিকভাবে মুম্বাই অবতরণের অনুমতি না মেলায় বাধ্য হয়ে বিমানের গতিপথ বদলে পাকিস্তানের করাচি শহরের দিকে নিয়ে যান পাইলট। তো ভাই, মুম্বাই এয়ারপোর্ট পর বাংলাদেশ কে এক জাহাজ কো উতারনে কি ইজাজত नहीं मिली। आग लगी है पड़ोसी देश पाकिस्तान को कि बांग्लादेश के जहाज को आखिर मुंबई के एयरपोर्ट पे क्यों उतारने नहीं दिया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, मेरे पास दो वीडियो हैं, एक बांग्लादेशी मीडिया की और एक और वीडियो है, वो है अफगानिस्तान मीडिया। ये वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है कि कैसे आज एक पैसेंजर प्लेन जो सऊदी एयरलाइन है वो उसके अंदर एक बांग्लादेशी जिनका नाम अबू ताहिर, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। फिर मुंबई एयरपोर्ट से रابطہ होता है फ्लाइट का जो कैप्टन है उसका, तो लेकिन उसके बाद आपको पता है कि पायलट को जवाब दे दिया जाता है ये पूछ कर के, इसमें ये बताएं जो पैसेंजर है वो कौन से मुल्क से है, उसका ताल्लुक किस मुल्क से है। जब बताया गया कि ये बांग्लादेशी अबू ताहिर नामी शख्स है तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये बांग्लादेशी है, हम इसकी फ़्लाइट इधर नहीं उतरने देंगे। फिर वो ऊपर से मुस्लिम भी है। उसके बाद वो फ़्लाइट उतरती है कराची में, ये पहले ही मैं बात कर चुका हूँ। और कराची में जनाब आपको पता है कि वहाँ पर उतारा गया और उनका ट्रीटमेंट किया गया। अबू ताहिर को ब्लड प्रेशर हाई हो गया था इस वजह से। इस वक्त ये जो खबर है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, कैसे इंडियन ने अंदर का गुस्सा निकाला है, क्योंकि बायकॉट इंडिया इस वक्त जो कंपेन है जोरों शोर से चल रही है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो वीडियो क्लिप है ये बांग्लादेशी एक मीडिया का है, वो देखेंगे कैसे जो ये विमान है सऊदी एयरलाइन का वो किस तरह से वहाँ पर अप्रोच कर लिया जाता है लेकिन उतरने नहीं दिया जाता। फिर मेरे पास एक अफगानिस्तानी मीडिया का है, वो कैसे कह रहे हैं कि इस विमान के अंदर जो एक शकीब अल हसन था, यानी उनके वो ट्रोल कर रहे हैं कि जिस तरह से शकीब अल हसन को इंजरी होती है बार बार, इसी तरह इनके एक अबू ताहिर को भी इंजरी हो गई है बार बार, यानी टीज करने की कोशिश। वो पठान, वो जो बच्चा है वो असल में इंडिया का बच्चा है, वो इंडिया के हक में इसलिए भी बात करता है क्योंकि वो इंडिया का बच्चा, वो इंडिया में ही रहता है, बट कहने को वो अपने आप को कहलवाता वो अफगानी है लेकिन वो रहता है इंडिया में ही है। तो खैर जी, वो भी यही कह रहा है कि आज बांग्लादेशी जो एयरलाइन को, सऊदी एयरलाइन को, जिसमें बांग्लादेशी पैसेंजर थे ढाका से जो उड़ी थी, जिसने रियाद जाके लैंड करना था, उनको मुंबई में नहीं उतरने दिया गया। कितनी बड़ी, मैं कहता हूँ कि बुरी हरकत की है आज भारत ने, जिसके ऊपर सभी इसको लानतान कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं बहुत बुरी हरकत की है। पहले एक वीडियो क्लिप हम बांग्लादेशी मीडिया का देखते हैं, फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे और दूसरा क्लिप भी वो देखेंगे। 3, 2, 1, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें। ले जी, वीडियो देखते हैं जी। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের আকাশ সীমায় থাকা অবস্থায় বিমানে বাংলাদেশি এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে ঢাকা থেকে রিয়াদগামী সৌদি এয়ারলাইন্সের বিমানটি মুম্বাইয়ের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের কাছে জরুরি অবতরণের জন্য অনুমতি চায়। তাৎক্ষণিকভাবে মুম্বাই অবতরণের অনুমতি না মেলায় বাধ্য হয়ে বিমানের গতিপথ বদলে পাকিস্তানের করাচি শহরের দিকে নিয়ে যান পাইলট। পরে দেশটির বন্দরনগরী করাচিতে এটি জরুরি অবতরণ করে। মঙ্গলবার ঢাকা থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর মাঝ আকাশে ওই যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, মঙ্গলবার ভোর 3:57 সৌদি এয়ারলাইন্সের ASB-805 ফ্লাইটটি ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রিয়াদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, কিন্তু ভারতের আকাশ সীমায় থাকা অবস্থায় আবু তাহের নামে 44 বছর বয়সী এক যাত্রী অসুস্থ হন। উচ্চ রক্তচাপের পাশাপাশি বমি শুরু হয়, শারীরিক অবস্থারও দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এ সময় যাত্রীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় পাইলট বিমানটিকে মুম্বাইয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেন এবং জরুরি অবতরণের জন্য মুম্বাইয়ের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের কাছে অনুমতি চান। মুম্বাই ATC-র পক্ষ থেকে অসুস্থ যাত্রীর জাতীয়তা এবং অন্যান্য তথ্য জানতে চাওয়া হয়। সবকিছু দেওয়ার পর মুম্বাই অবতরণের অনুমতি না মেলায় বাধ্য হয়ে বিমানের গতিপথ বদলে পাকিস্তানের করাচি শহরের দিকে যান পাইলট। পাকিস্তানের আকাশসীমায় পৌঁছে করাচির এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের কাছে বিমানটি জরুরি অবতরণের অনুমতি চান তিনি। অনুমতি মেলায় জিন্না আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে সৌদিগামী ওই বিমান। অবতরণের পরপরই পাকিস্তানের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি মেডিকেল টিম বিমানবন্দরের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিমানবন্দরের চিকিৎসকরাও আন্তরিকতার সাথে ওই রোগীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং চিকিৎসা সেবা দেন। সব ঠিক হলে বিমানটি করাচি থেকে আবারও রিয়াদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। সাড়ে
সাশ্রয়ী খরচ ও সহজে হেলিকপ্টার, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাইভেট জেট বিমান ভাড়া দিচ্ছে প্রবাসীর হেলিকপ্টার, যোগাযোগ করুন। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी है बांग्लादेशी मीडिया की, और अब ये दूसरी वीडियो क्लिप भी आप देख लीजिएगा कैसे ये जो एक अफगानी व्लॉगर हैं पठान साहब, ये कैसे इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये भी देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये क्लिप है, कैसे वो आग और भड़ास निकाल रहे हैं अपने अंदर से, जलन जिसको बोलते हैं वो निकाल रहे हैं। यकीनन आप इसको जब देखेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। इनको चाहिए था ये था मजम्मत करते, ये सुनिए। तो भाई मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के एक जहाज को उतारने की इजाजत नहीं मिली। आग लगी है पड़ोसी देश पाकिस्तान को कि बांग्लादेश के जहाज को आखिर मुंबई के एयरपोर्ट पर क्यों उतारने नहीं दिया। बांग्लादेश से एक जहाज जो है वो सऊदी अरबिया की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब जहाज उड़ता है तो जहाज के अंदर जो है वो एक शकीबुल हसन बीमार पड़ जाता है, और शकीबुल हसन की बीमारी की वजह से जहाज को जो है लैंडिंग करना पड़ता है। तो पास में जब वो देखते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट पास में होता है, तो वो जो है एयर ट्रैफिक से, एयर कंट्रोल ट्रैफिक से जो है राबता करते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई हमको जहाज उतारना है मुंबई एयरपोर्ट पे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट वाले बांग्लादेश के जहाज को अलाउ नहीं करते उतारने के लिए। उसके बाद जहाज जो है दोबारा घूम जाता है, उतर जाता है कराची के एयरपोर्ट पे। अब कराची के एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो है पाकिस्तान को मिल जाती है न्यूज कि देखें जब जहाज उड़ता है ढाका से और वो जाता है सऊदी अरबिया, लेकिन रास्ते में उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है जिसपे मुंबई एयरपोर्ट्स मना कर देता है। देखें हर देश के हर एयरपोर्ट्स के हर जगह के अपने कानून होते हैं। क्या कानून होते जब हैं? इसी जहाज कोई कानून नहीं होता। पाकिस्तान में उतारा जाता है तो पाकिस्तान वाले मीडिया बुलाकर उस पे व्यूअर्स आपने ये वीडियो देखी है, कहते कानून होते हैं। एक महीना पहले, वन मंथ अगो, जब इंडिया ने इजाजत मांगी थी बांग्लादेश से, ढाका में हमने लैंड करना है अपना तैयारा, तो उसमें 60 से 70 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, इंडिया के एक मिनिस्टर भी था। तब बांग्लादेश ने कहा था ठीक है वेलकम, आप आइएगा आप, क्योंकि उस वक्त तूफान था, उस वक्त जो वेदर रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी, बारिश भी हो रही थी। लेकिन इनको देखो कैसा एक बंदा मर रहा है, उसकी जिंदगी का सवाल है, वो इंसानियत की कोई कदर नहीं होती आपके पास। और ये कैसे मैं समझ इसको, पठान साहब को देखें कैसी बातें कर रहा है यार, बहकी बहकी, और कैसे जनाब ये, मैं तो इसको कहूँगा कि ये मालशिया और पालशिया है भारत का। सच बात करनी चाहिए, हक बात करनी चाहिए, जो भी हो वो लोगों को बताएं, चाहे आपके ही खिलाफ क्यों ना हो। किस तरह से ये हकीकत से दूर दूर बातें कर रहे हैं, कैसे ये झूठ बोल रहे हैं, और कैसे शकीब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। शकीब तो इस्तियारे में है नहीं, असल में वो टीज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि जैसे शकीब बार बार बीमार होता है, वो इंजर्ड होता है, इसी तरह ये उसमें तो अबू ताहिर नामी शख्स था। और फिर आपने देखा कि इंडिया, अच्छा ये खबर तो अब पूरी दुनिया में घूम गई है और फैल गई है कि कैसे जो इंडिया है वो उसके अंदर हमदर्दी कितनी ज़्यादा है, कोई हमदर्दी नहीं। और फिर बांग्लादेश को ये कहते हैं, उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि भाई आप आए बंगला उसमें भारत में, वो कैसे आए, उनके लोगों के साथ आप क्या सलूक करते हैं, उनके बीजीबी के जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उनको आप शहीद करते हैं, फार्मर्स को आप शहीद करते हैं, पानी आप उनका रोकते हैं, उनका हक आप नहीं देते, तो फिर ऊपर से आप कहते हैं कि आप हमारे साथ ठीक रहें, उनके साथ आप गॉडफादर एटीट्यूड अपनाते हो, शर्म आनी चाहिए। वैसे व्यूअर्स आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।